इस योद्धा ने तराइन के युद्ध में धूल चटाई थी मोहम्मद गौरी को। भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के मध्य सन 1191 में तराइन के मैदान में युद्ध हुआ, जिसमें गौरी की बुरी तरह हार हुई और घायल गौरी बंदी बना लिया गया, जिसे बाद में उपचार करने के बाद दया दिखाते हुए चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। लेकिन क्या आप उस योद्धा के बारे में जानते हैं जिसने गौरी जैसे योद्धा को युद्ध के मैदान में धूल चटाते हुए घायल किया और उसी वजह से गौरी की सेना भाग खड़ी हुई और गौरी बंदी बना लिया गया? जी हाँ, ये योद्धा था दिल्ली का तत्कालीन शासक और पृथ्वीराज का सामंत गोविंदराज तोमर। गोविंदराज का नाम भारतीय व मुस्लिम इतिहास में गोविंद राय, कनगोयंद, गोयंद, गवंद और गोविंद के रूप में नाम दर्ज है। वहीं तवंगरों के इतिहास में गोविंदराज चहरपाल के नाम से दर्ज है। चहरपाल या गोविंदराज तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज की सेना के हरावल अग्रिम में था। गौरी को इसी वीर गोविंदराज तोमर ने घायल किया था। गोविंदराज ने लोहे की सांग फेंक कर गौरी के बाजू पर चोट मारी, जिससे गौरी घायल हो मूर्छित हो गया और उसके मूर्छित होते ही उसकी सेना भाग खड़ी हुई। घायल गौरी को बंदी बना लिया गया, लेकिन मुस्लिम इतिहासकारों ने गौरी को गोविंदराज द्वारा घायल करने की बात तो स्वीकारी, पर बंदी होने की बात की जगह लिख दिया कि घायल गौरी को एक खिलजी युवक उठा लाया। डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता द्वारा लिखित अजमेर कब्रहद इतिहास के अनुसार तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी का सामना दिल्ली के राजा गोविंदराज से हुआ। गौरी के भाले के वार से गोविंदराज के दांत बाहर निकल आए थे। गोविंदराय ने भी प्रत्युत्तर में गौरी पर भाला फेंक कर वार किया और गौरी बुरी तरह घायल हो गया। तब काते ए नासिरी के अनुसार सेनाओं के आमने सामने आते ही सुल्तान गौरी ने भाले से उस हाथी पर आक्रमण किया, जिस पर दिल्ली का राय चावन चहरपाल सवार था। चहरपाल भी आगे बढ़ा और मिन्हाज उस सिराज के अनुसार देश अपने युके सिंह रुस्तम के प्रतिरूप सुल्तान ने अपना भाला उसके मुख में घुसेड़ दिया और उस दुष्ट के दो दांत तोड़कर गले से नीचे उतार दिए। राय ने प्रत्याक्रमण किया और सुल्तान की भुजा पर गंभीर घाव कर दिया। सुल्तान घाव की पीड़ा सहन न कर सका और घोड़े से गिरने वाला था कि एक खिलजी युवक ने पहचान लिया और सुल्तान को घोड़े पर ले भागा। मुस्लिम इतिहासकार भले गौरी को बंदी बनाने की बात छिपा गए, पर उन्होंने यह मान लिया कि चहरपाल यानी गोविंदराज ने उसे घायल होने के बाद भी बुरी तरह से घायल कर दिया और गोविंदराज का वार ही गौरी की हार का कारण बना।